नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ भोजपुरी टॉप 5 खबर। भोजपुरी टॉप 5 खबरों में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो ताज़ा तरीन खबरें जो कि आपके सुपरस्टार से जुड़ी हुई होती है और उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई होती है। तो चलिए आज बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आज काजल राघवानी के बारे में। जी हाँ, काजल राघवानी का वैसे तो खेसारी लाल के साथ ज़्यादा जोड़ी जो है फेमस है, लेकिन इस बार काजल राघवानी जो है वो भोजपुरी के नए हीरो आनंद ओझा के साथ फिल्म की है, जिस फिल्म का नाम है हीरोगिरी। और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पब्लिक की तरफ से इस फिल्म के ट्रेलर को मिल रहा है। जी हाँ, इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक लगभग 2 लाख लोग सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको बात करेंगे चिंटू की फिल्म सुहागरात को लेकर के। जी हाँ, इस फिल्म के पोस्टर को रिलीज जिस तरीके से किया गया उसे देखकर तो यही लगता है कि ये कोई हॉरर फिल्म है, यानी कि चिंटू जो अब तक आपको भोजपुरी की जितनी भी फिल्में उनमें एक्शन कॉमेडी रोमांस करते दिखे थे, अब वो इसमें हॉरर सीन करते दिखाई देंगे, हॉरर किरदार को निभाएंगे। जी हाँ, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे रितेश पांडे। जी हाँ, इन्हें भोजपुरी के जो बेस्ट सिंगर है उनमें इनका भी एक नाम शामिल है और अपने गानों से ये हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। और ठीक इस बार होली के मौके को लेकर के रितेश का नया गाना रिलीज हो चुका है, तो आप लोग भी इनके अपने सोशल मीडिया पर जाइए और इनके गाने को सुनिए। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मोनालिसा को लेकर के। मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी कलाकारा है जो कि भोजपुरी के तीनों सुपरस्टारों के साथ फिल्म कर चुकी हैं। जी हाँ, पवन सिंह की तो जोड़ी उनके साथ इतनी बेस्ट मानी जाती थी कि एक समय में इनके प्यार को लेकर के अफवाहें भी फैलने लगी थी, लेकिन बाद में मोनालिसा ने अचानक से टीवी शो में एंट्री की और वहाँ पर उनका इतना नाम हुआ कि जहाँ सिर्फ पहले उनको भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग जानते थे, वहीं अब उनको भोजपुरी के साथ साथ और भी तमाम लोग जानने लगे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे लास्ट में अक्षरा सिंह को। हम लोग आए दिन आपको जो हमारे सुपरस्टार होते हैं उनकी खूबसूरती के बारे में, उनके फिल्म के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी जानकारी आपको बताते हैं, लेकिन कभी आपने ये सुना है या जाना है या देखा है कि क्या जो पर्दे पे हमें जो आप हमारे सुपरस्टार दिखते हैं, क्या वही पर्दे के पीछे भी वो वैसे ही दिखते हैं? जी हाँ, ये स्पेशल हमारे लिए खबर इसलिए है क्योंकि जो अगर जो आप आपके सुपरस्टार हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि हमारे जो फेवरेट सुपरस्टार है वो रील और रियल दोनों में कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज भोजपुरी टॉप 5 खबरों के, देखते हैं ये टॉप 5 न्यूज़। हाल ही में भोजपुरी फिल्म हीरोगिरी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। काजल राघवानी इस फिल्म में बड़े ही हॉट लुक में जहां एक तरफ नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद ओझा एक मजनू के किरदार में नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म पूरे तौर से आशिकी पर बेस्ड है। दरअसल आनंद को एक नजर देखते ही हो जाता है काजल राघवानी से प्यार और काजल आनंद के इस प्यार को एक्सेप्ट करने में लगा देती हैं काफी लंबा समय, लेकिन आनंद हार नहीं मानते और काजल को मनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है जब आनंद कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन इस दौरान ट्विस्ट तब आता है जब आनंद के अलावा संजय पांडे जो कि इस फिल्म में विलन है, उनकी नजर भी काजल पर बनी रहती है और काजल को पाने के लिए विलन संजय पांडे भी तमाम कोशिशें करते हैं और काजल को पाने के लिए संजय जबरदस्ती इज्जत लूटने की कोशिश भी कर डालते हैं। लेकिन काजल के हीरो आनंद ओझा सारे विलन को मारकर मजा चखा देते हैं और अंत में जीत काजल के प्यार यानी आनंद ओझा की जीत होती है और संजय को हराकर काजल के सामने हीरोगिरी दिखाकर बन जाते हैं जीवन भर के लिए उनके हीरो। जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में आनंद का एक धमाकेदार डायलॉग भी है जब वो गुंडों को पीटने से पहले बोलते हैं, जिसके बोल हैं, हमार माई कहे ले कि बेटा लड़ाई शुरू मत करी है, लेकिन जदि शुरू हो जाओ तब खत्म जरूर करी है। कहानी कुछ भी हो, दर्शकों को काजल का ये हॉट अंदाज और आनंद ओझा के साथ काजल की केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इस फिल्म के ट्रेलर को 2 लाख लोग मात्र एक दिन में देख चुके हैं, जिसे वर्ल्ड वाइड के ऑफिशियल पेज से रिलीज किया गया है। तब
तमाम की गई कोशिशों के बाद और स्टारों द्वारा की गई मेहनत के कारण आज भोजपुरी की कुछ फिल्में जहां चर्चाओं में आई तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म की कहानियों में भी खासा बदलाव आया है। अलग अलग कॉन्सेप्ट पर फिल्म मेकर्स आजकल फिल्में बनाने लगे हैं जो दर्शकों को भी पसंद आ रही है। एक ऐसी ही कहानी पर हमारी नजर पड़ी जब उस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया। फिल्म का नाम है सुहागरात। इस फिल्म में नमित तिवारी, सीमा सिंह और पूनम दुबे पोस्टर में नजर आ रहे हैं और पोस्टर देखने में आकर्षक तो है ही, साथ में पोस्टर देखने के बाद दर्शकों के मन में कई तरह के प्रश्न भी उठ सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में नमित तिवारी और सीमा सिंह के दो रूप हैं, जिसमें एक तरफ सीमा बहू के किरदार में है तो वहीं दूसरी तरफ भूतनी के किरदार में भी सीमा सिंह नजर आ रही हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के हीरो नमित तिवारी भी बड़े अलग रूप में नजर आए। लोगों का ध्यान खींचने के लिए नमित ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखने के बाद कुछ लोगों को हंसी आ पड़ी तो कुछ लोगों को ये रूप बेहद डरावना भी लगा। जी हाँ, नमित बिकनी पहने नजर आए। फिलहाल नमित तिवारी, पूनम दुबे और सीमा सिंह की ट्रायंगल जोड़ी से बनी फिल्म सुहागरात का पहला लुक दिखाई दिया है, लेकिन बहुत जल्द ये फिल्म पर्दे पर भी रिलीज कर दी जाएगी। जैसे जैसे होली का सीजन पास आ रहा है, वैसे वैसे भोजपुरिया कलाकारों में एक गजब की होड़ सिलक चुकी है, दर्शकों के दिलों में छा जाने की और अपना एक अलग रिकॉर्ड स्थापित करने की। अपने पुराने पुराने गानों की धुन पर कई सारे सिंगर होली के गीतों को गा रहे हैं। होली के गीतों को रिलीज करने में टॉप मोस्ट के लिस्ट में सबसे पहले खेसारी ने अपना गाना रिलीज किया। अपने पुराने गानों के धुन पर जहां खेसारी अभी तक दो गाने ले आए हैं, तो वहीं अब रितेश भी जंग के मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, रितेश का हाल ही में एक होली गीत रिलीज हुआ जिसके बोल हैं, पिचकारी पकड़ के रोवत हुई हैं सैया। इस गाने को मजनुआ हमार मरिए जाए की धुन पर फिल्माया गया है। साथ ही रितेश का ये गीत लोगों को इतना पसंद आया कि मात्र दो दिन में इस गाने को 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और धीरे धीरे इस गाने के व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि आगे आने वाले दिनों में रितेश के गानों को कंपटीशन देने के लिए मार्केट में और भी कई सारे गीत आ जाएंगे, लेकिन रितेश की आवाज सिर्फ उन्हीं के पास है जिसकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से दर्शकों के बीच बढ़ती चली जा रही है। तो देखना ये होगा कि आगे आने वाले होली के सीजन में इस बार किसके गाने बाजी मार लेते हैं और कौन होता है सीजनल सिंगिंग स्टार, क्योंकि सभी को काफी सारी उम्मीदें। एक तरफ जहां गानों के लिए दर्शकों को इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टारों को भी अपने नए नए गानों के जरिए छा जाने का इंतजार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे फेमस फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन बॉलीवुड के अलावा भी हमारे देश में और भी बहुत सी भाषा में फिल्में बनती हैं और अलग अलग भाषा में बनाई जाने वाली और बहुत सारी फिल्मों की अलग अलग इंडस्ट्री है। इनमें से एक फिल्म इंडस्ट्री है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, जो इन दिनों काफी फेमस होने लगी है। आज हम आपको इसी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर और फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा के बारे में बताने जा रहे हैं। अपनी कातिल और मोहक अदाओं से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाली मोनालिसा भोजपुरी के अलावा कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरों की वजह से ये अक्सर सुर्खियों में छाई रहती हैं। हालांकि मोनालिसा का असली नाम अंतरा विश्वास है। इन्होंने जब भोजपुरी फिल्म में अपने करियर की शुरुआत की तब फिल्म मोनालिसा फिल्म से भी तभी से इनका नाम मोनालिसा हो गया था। मोनालिसा ने बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काम किया है। मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती है। इनकी बहुत सारी फिल्में बनकर तैयार है। मोनालिसा ने काफी कम समय में बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, फिर भी इनके चाहने वाले की कोई कमी नहीं है। भोजपुरी राजा पवन के साथ एक समय पर उनका प्यार में पागल और भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर के टीवी के छोट पर्दा तक अपन काम के जलवा बिखेर चुकल मोनालिसा ए समय पर भोजपुरी के सबसे हॉट एक्ट्रेस मानल जाली। जी हाँ, एक साथ ही मोनालिसा के अपन एगो अलग पहचान जब मिलल जब वो भोजपुरी टीवी के हिंदी शो में गेल रहनी। जी हाँ, एक बाद मोनालिसा के नाम तो हर कोनो जाने लगल, लेकिन रउआ लोगन देखले हुई कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मोनालिसा के लोकप्रियता कम होते जा रहल बा। जहां पहले मोनालिसा भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ खेसारी और पवन के साथ काम करत रहनी, तब वहीं आज के समय में मोनालिसा ए बर्ड स्टार के साथ काम नेखे कर रहल बिया। यूं कहीं कि मोनालिसा के इनकरा साथ काम करे खातिर मौका नेखे मिल रहल बा।
वैसे मोनालिसा भले ही भोजपुरी फिल्म में काम करत हुई लेकिन इनकरा के जे फिल्म मिल रहा बा वो बड़ स्टार के सन नहीं खेबा। जी हाँ, वैसे रउआ लोगन के बता दी कि पवन के साथ उनकर आखिरी जे फिल्म आयल रहे वो फिल्म के नाम रहल पवन राजा। भोजपुरी के नंबर वन एक्ट्रेस और सीनियर एक्ट्रेस मृगनयनी कहे जाए वाली अक्षरा सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री में लकी अदाकारा के नाम से भी जानल जाला। लेकिन अक्षरा के खूबसूरती के पीछे के का राज हा ये बात रउआ लोगन के पता नहीं की हुई। जी हाँ, वैसे तो अक्षरा बहुत ही खूबसूरत बाड़ी लेकिन अक्षरा की खूबसूरती में और निखार तब आ जाला जब अक्षरा मेकअप करके तैयार हो जाली। जी हाँ, आज हम रउआ लोगन अक्षरा के बिना मेकअप के कुछ फोटो दिखावे जा रहल बानी जे फोटो में अक्षरा के असली चेहरा सामने आयल बा। एक साथ ही रउआ लोगन के बता दी कि अक्षरा मेकअप करे खातिर कम से कम 3 से 4 घंटा के समय लेत बाड़ी। जी हाँ, रउआ लोगन हैरान ना हुई काहे कि अक्षरा के खूबसूरती के पीछे के जो समय लगा था वो 3 से 4 घंटा के है। वैसे अक्षरा के काफी कम ऐसा जगह बा जहाँ पर कि उनकरा के बिना मेकअप दिखाए देखल जाला। चली रउआ लोगन के बता दी अक्षरा के आवे वाला फिल्म के लेकर के। जी हाँ, अक्षरा ए समय पर फिलहाल माँ तुझे सलाम के शूटिंग शुरू कर देले बाड़ी। देखा आपने ये भोजपुरी की टॉप 5 खबरें जो कि जिसमें से आपने आज जो जिक्र किया वो भोजपुरी के 2 सबसे फेमस एक्ट्रेस कह सकते हैं, सीनियर एक्ट्रेस कह सकते हैं। जी हाँ, अक्षरा और मोनालिसा। मैं इन दोनों का बात जिक्र बार बार इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मोनालिसा आज उस दौर पे खड़ी हैं जहाँ उनकी पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर हो चुकी है, उन्हें बहुत लोग जानने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं खो रही हैं। तो वहीं अक्षरा की अगर बात करें तो अक्षरा सिंह को जितने फैंस जानते हैं, जितने लोग जानते हैं उन्हें फिल्म के थ्रू जानते हैं, उन्हें पर्सनल लाइफ से जुड़ी कोई जानकारी ज़्यादातर उनके फैंस नहीं जानते हैं और इसी वजह से हमने अपने इस खबर में इन दोनों के जिक्र की। चलिए ये तो थी हमारी भोजपुरी की टॉप 5 खबरें। अब बात करते हैं दर्शकों की। हर बार की तरह मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को इतना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कल मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी भोजपुरी के टॉप 5 खबरों के साथ जो कि जुड़ी हुई होंगी आपके सुपरस्टार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।